अब कहते अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोच ने तरक्की की? जी नहीं, क्योंकि आज भी इतने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई के खिलाफ है। तो मुझे उन सब लोगों से एक सवाल है कि फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? औरत की लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? है कोई जवाब उनके पास? आज भी इतने लोग हैं जो 21 साल तक टीवी, सोफा, बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदते। आपको पता है क्यों? मैं बताती हूँ, क्योंकि वो अपने बेटों की शादी का इंतजार करते हैं। और हम कहते हैं अपना भारत बहुत आगे बढ़ गया है। एक फेसबुक के सीईओ ज़करबर्ग ने अपनी बेटी के पैदा होते ही अपनी 99% दौलत दान कर दी, और यहाँ बाप अपने दहेज का पैसा जोड़ने के लिए तो अपनी गंजी भी पहनना छोड़ देता है। अजीब रिवाज है हमारे मुल्क का, नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट औरतों की निकलवाते हैं, और हम कहते अपना देश बहुत आगे बढ़ गया। अरे बहन बेटी को तो छोड़िए, लोग तो अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ को भूल जाते हैं, उनका बंटवारा कर लेते हैं। अगर मैं माँ के बलिदानों पर बात करूँ तो रात हो जाएगी, लेकिन दो शब्द जरूर कहूँगी उन बेटों के लिए जिन्हें माँ का मतलब नहीं पता। किसी रात को सबके खाने के बाद एक दिन रसोई में अपना खाना खुद ढूंढो, माँ क्या होती है समझ जाओगे। माँ तो वो भगवान है जिसे बुखार भी हो जाए और उसके बेटे को पता चले तो पता है क्या कहेगी? कि बेटा खाना बना रही थी ना, इसलिए गर्म हूँ। अब हमें पुराने रीति रिवाज को तोड़कर आगे बढ़ना होगा और ऐसा कर गुजरना होगा कि हर माँ हर बाप ये कहे कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और अगले जन्म में मुझे बेटी ही चाहिए। And I think women are foolish to think that they are equal to men because they are far superior than men and have always been. Thank you. एक लेडी थी जिसके पास कोई ज्यादा पैसे नहीं थे, हस्बैंड की डेथ हो गई थी, पेंशन के पैसों से जीवन बिता रही थी। तब एक घटना घटी, उसके घर के बाहर एक लड़का आया, दरवाजा खटखटाया। वो देखती है वो 14-15 साल का एक लड़का जो सेल्समैन था और अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आया था। ये लेडी के पास उतने पैसे नहीं थे तो उसने कह दिया कि देख बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुझे गलत उम्मीद नहीं दूंगी, मैं तेरी चीज वस्तुएं खरीद नहीं पाऊंगी, पर 2 मिनट तो मेरे घर में आ। वो घर में बिठाती है और किचन में जाती है और दूध का एक गिलास लेके आती है और कहती कि बेटा मुझे लगता है कि तू बहुत भूखा है, बहुत प्यासा है, मैं तेरी और कोई मदद नहीं कर सकती, बट एक ये दूध का गिलास तुझे दे सकती हूँ जिससे तेरी भूख और प्यास दोनों मिट जाएगी। बच्चा दूध का ग्लास पीता है, थैंक यू कह के चला जाता है। इस घटना को और 15 साल बीतते हैं। अब तो ये लेडी बहुत बुजुर्ग हो चुकी है और एक दिन उनको हार्ट अटैक आता है। आस पड़ोस वाले उनको हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और जब उनके ऊपर सर्जरी होती है, बाद में वो ठीक होके अपनी आंखें खोलती है, तब उनको पता चलता है कि उनके ऊपर तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी सर्जरी हो चुकी है और जिसका लाखों का बिल बन चुका है। इस लेडी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है, रोने लगती है कि हे भगवान मुझे क्यों बचाया, अब मैं ये बिल कहां से पे करूंगी, मैं ये पैसा कैसे दूंगी। और 2-3 दिन वहां पे वो इतनी उदासी के साथ बिताती है, वो सोचती है मैं किसकी मदद मांगू। आखिर में उसका डिस्चार्ज का डे आता है, अभी भी उसको कुछ नहीं सूझ रहा बिकॉज उसके कुछ ज्यादा रिलेटिव नहीं थे, ऐसे कोई लोग नहीं थे जो उसकी मदद कर पाए। वो भारी भारी कदमों से चलते हुए रिसेप्शन के काउंटर पे पहुंचती है, सोचती है मैं उससे क्या बात करूंगी। वो कहती है मेरा बिल दिखाइए, वो बिल देते हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपए का उसका बिल आया है। वो बिल देखती है पर उनको ताज्जुब होता है क्योंकि उस बिल के नीचे लिखा था ऑलरेडी पेड एंड उसके नीचे लिखा था थैंक यू फॉर द ग्लास ऑफ मिल्क। यानी वो लड़का जिसको उन्होंने एक दूध का ग्लास दिया, दोस्तों आज वो बड़ा होके एक डॉक्टर बन चुका है और उसी की हॉस्पिटल में ये लेडी आती है और वो देखता है कि ओ माय गॉड, ये तो वही लेडी जब मैं कुछ नहीं था और उन्होंने मुझे दूध का ग्लास दिया था, आज ये ऋण चुकाने का मौका मिला है, क्यों ना मैं अपना ऋण चुकाऊं, क्यों ना इनका बिल मैं ही भर दूं। इसीलिए तो कहते हैं कि जब आप अच्छे काम करते हैं दुनिया गोल है, जो अच्छे काम भेजे हैं सब लौट के वापस आते ही। बट अच्छी बात क्या है कि
कुदरत इतनी मेहरबान है हम पे कि जब हम कुछ छोड़ते हैं उससे कई गुना बढ़ के ये लाइफ में वापस आते हैं। हम हमेशा पूरी जिंदगी लगे रहते हैं दुनिया को इम्प्रेस करने में, पर अगर सही में इम्प्रेस करना है ना तो उस ऊपर वाले को कीजिए। आपका इंटेंशन कितना भी सही क्यों ना हो, ये दुनिया सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन देखती है, एंड आपका ये प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये ऊपर वाला तो सिर्फ आपका इंटेंशन ही देखता है। तो ये सद्भावना की शुरुआत आज से ही की जाए। मैं तो कहती हूँ दुनिया में खुशियां फैलाई जाए, क्योंकि अगर आप औरों के जीवन में खुशियां फैलाना भी शुरू करोगे तो वही खुशियां मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में वापस आएगी। भगवत गीता में बहुत ही सुंदर कहा गया है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर दुखी है तो तुम लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। अगर औरों को खुशियां बांटोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशियां अपने आप आएगी। और मैं तो कहती हूँ आज के इस दुनिया में किसी के चेहरे पे स्माइल ले आना वो भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक काम है। कहते हैं एक उदास चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाए, और अगर उसकी वजह तुम हो तो समझ लेना इस दुनिया का सबसे धन्यवाद।